ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले कुछ स्पेशल अपडेट्स के बारे में। वेल, यहाँ पर मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मोबाइल टेक को, बिकॉज उन्होंने हमारे इंस्टा पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करी, सो थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो आप अगर वीडियो देख करके नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ, नाम लेकर के सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE के लिए यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो रोल आउट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 2022 का जो सिक्योरिटी पहले पहले हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर डिवाइस की जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव की गई है, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा 189 MB के आसपास की या अंडर आप कह सकते हो अपडेट फाइल हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर 188.99 जो है अपडेट की फाइल है। तो ये अपडेट फाइल है एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात की जाए तो ऐसा सच कुछ पता नहीं चल पाया, बट इन फ्यूचर अगर पता चलता है तो आपको मेरी इंस्टे स्टोरी पे पता चलेगा। मेक श्योर आपने वहाँ पर फॉलो कर लें। एक चीज़ और, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले अपना मतलब इंस्टा स्टोरी पे मेंशन कर देता हूँ क्या किस स्मार्टफोन के लिए अपडेट आया है, थैंक्स टू दी मोबाइल टेक, वो मैं टेक करते हैं और मैं उनकी स्टोरी जो अपने अपने इंस्टा पे अपलोड कर देता हूँ। एंड इन फ्यूचर आपको अब थोड़ा डिफरेंट कंटेंट भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा सा आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के लिए। सैमसंग का जो गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मेरे को लगता है अब तक सैमसंग की तरफ से। अरे तो भाई यार, उन्होंने क्यू नोट सीरीज़ को बंद कर दिया, बट स्टिल यहाँ पर जो अपडेट है उसके थ्रू इस स्मार्टफोन के अंदर जो एस पेन के अंदर कोई एरर था उसको सॉल्व किया गया है। कैमरा के अंदर जो नाइट मोड है उसके जो नाइट पोर्ट्रेट्स होते हैं वो भी इंप्रूव किए गए हैं। 1100 MB के अंडर हमें जो अपडेट फाइल देखने को मिली थी, आई थिंक 1067 MB के आसपास की हमें अपडेट फाइल देखने को मिलती है। एग्जैक्टली कितने की है स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। मई 2022 का सिक्योरिटी पिछले वाले यहाँ पर इंक्लूड किया गया। एंड यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो सैमसंग ने अपने नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन का जो माइक्रोफोन है उसको भी इंप्रूव किया है। आई डोंट नो अब आपको कॉल क्वालिटी या फिर वीडियो जो क्वालिटी होगी या माइक्रोफोन की जो ऑडियो क्वालिटी होगी वो इंप्रूव देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक किस जगह के लिए इंप्रूव किया गया है ये बता नहीं गया है, या ओवरऑल इंप्रूव किया गया है ये भी मेंशन नहीं था। तो माइक्रोफोन इंप्रूव है तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी M53 स्मार्टफोन के लिए। सैमसंग के M53 के लिए यहाँ पर सैमसंग ने एक नया FOT अपडेट रिलीज़ करा है एंड मई 2022 का सिक्योरिटी पेज लेवल है। 645 MB के आसपास की हमें जो है अपडेट फाइल M53 स्मार्टफोन के लिए देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इस स्मार्टफोन के जो कलर्स हैं डिस्प्ले के वो थोड़े से उसमें चेंजेस किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील आने वाला है यूज़ करने में, बिकॉज हमेशा जो कलर्स हैं उनका काफ़ी मतलब मेजर रोल होता है स्मार्टफोन के अंदर, क्योंकि अगर डिस्प्ले अच्छी नहीं है तो फिर पूरा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है मेरे हिसाब से। तो खैर, यही था आज की इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, इन्फॉर्मेटिव लगती लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर ले, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।